स्क्रीन शेयर हो रहा है ना? ठीक जी मैम। है, तो कल का कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो आपका पीछे का, तो पूछ लीजिए आप। पीछे का कोई भी डाउट हो अभी तक तो आप पूछ सकते हैं, कोई भी। क्लियर है सभी को? किसी को कोई डाउट नहीं मैम ये जो आप है? लास्ट लास्ट टाइम स्टेज जो बताए थे ना, उसमें से फोर्थ स्टेज और फिफ्थ को थोड़ा सा क्लियर कर। हाँ ठीक है, क्लियर कर देते हैं अभी। पहले मैं आपको एक बात बता देती हूँ, ये मतलब किसी किसी के अकॉर्डिंग तो टोटल 5 स्टेजेस हैं और किसी किसी के अकॉर्डिंग 4 स्टेजेस हैं। मतलब नॉन रैम के सिर्फ 3 हैं और 1 रैम हो गई। किसी के अकॉर्डिंग नॉन रैम की 4 स्टेजेस हैं एंड देन रैम। ठीक है, तो किसी के अकॉर्डिंग 4 है टोटल एंड किसी के अकॉर्डिंग 5 है। क्लियर है सभी को? तो अमेरिकन एसोसिएशन के अकॉर्डिंग तो नॉन रैम की 3 स्टेजेस है और 1 रैम की स्टेज है। ठीक, पर हम और जितने भी देखते हैं उसमें 4 स्टेजेस बताई गई हैं। तो पिछली बार भी मैम ने 4 स्टेजेस बताई थी नॉन रैम की, तो मैं उसी को ही कंटिन्यू कर रही हूँ। ठीक है, वैसे ऐसे क्वेश्चन नहीं आएगा कि रैम की कितने स्टेजेस होती हैं, कितनी नहीं होती। अगर पूछेंगे तो डायरेक्ट पूछेंगे कि जैसे कि स्लिप स्पिंडल्स किस में प्रेजेंट होते हैं, कौन सी वेव में प्रेजेंट होते हैं, के कॉम्प्लेक्सेस किस में प्रेजेंट होते हैं, थीटा वेव्स किस में होती हैं, अल्फा वेव्स ज्यादा किस में डोमिनेंट होती है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये है स्टेज 3 एंड 4, ये मैंने कंबाइन कर दिया है क्योंकि लगभग ऐसे ही हर जगह दिया हुआ था, तो मैंने कंबाइन करना ही ठीक समझा। ठीक है, ये विजिबल हो रहा है ना मेरा स्क्रीन सभी को? यस ओके मैम। okay, ठीक है, देखते हैं स्टेज 3 एंड 4। कलेक्टिवली रेफर टू एज स्लो वेव स्लीप। अगर क्वेश्चन आता है ऑप्शन दे देते हैं कि स्लो वेव स्लीप कौन सी है, तो हम स्टेज 3 एंड 4 दोनों बताएंगे। ठीक है, अगर ऑप्शन सिर्फ एक है और बोलते हैं डीप स्लो वेव स्लीप कौन सी है, मतलब रियल स्लो वेव स्लीप कौन सी है, तो हम 4th बताएंगे। अगर दोनों ऑप्शन में है तो हम पहली प्रेफरेंस दोनों को देंगे कि स्टेज 3 एंड 4 दोनों में ही स्लो वेव स्लीप होती है। मोस्ट ऑफ अकर ड्यूरिंग द फर्स्ट थर्ड ऑफ द नाइट। फर्स्ट थर्ड जो हमारे मैंने बताए थे 5 साइकिल्स होते हैं हमारे, लगभग 4 to 5 साइकिल्स हमारे होती हैं। तो इसमें बोला गया है मोस्ट ऑफ अकर ड्यूरिंग द फर्स्ट थर्ड ऑफ द नाइट। ज्यादातर जो ये थर्ड एंड फोर्थ जो साइकिल है ये हमें पहले 3 में दिखाई देते हैं। ठीक है, इसमें लगभग कवर हो जाती है हमारी डीप स्लीप, उसके बाद में हमारी थोड़ी डीप स्लीप से थोड़ी कम कम होती है थोड़ी स्लिप। ठीक है, तो लगभग स्टेज 3 एंड 4 हमारी 3 साइकिल्स में दिखती है, स्टार्टिंग के 3 साइकिल्स। क्लियर? स्लो वेव स्लिप इसे कहते हैं। ठीक हो गया। डेल्टा वेव्स की रेंज होती है 0.5 से 2 हर्ट्ज, तो इसमें हम डेल्टा वेव्स देखते हैं। ठीक, हाफ टू ऑसिलेशंस ऑफ दीज ब्रिंग वेव्स पर सेकेंड। इसका मतलब वही है जैसे कि वो फ्रीक्वेंसी हम मेजर कर रहे थे, तो इसमें क्या बोल रहे हैं, पर सेकंड 2 ऑसिलेशंस होते हैं। मान लो ये 1 सेकंड का गैप है, तो इसमें डेल्टा वेव्स इस टाइप से हो जाएंगे। ठीक है, बस 2 ही ऑसिलेशन आएंगे, मतलब बहुत स्लो हो गई ना फ्रीक्वेंसी भी, हम उसमें बहुत स्लो होती है। ठीक है, तो ऑसिलेशंस बता रखे हैं इसमें। ऑसिलेशन मतलब जब ऐसे एक होता है, ये 1 ऑसिलेशन होगा। क्लियर? रियली डिफिकल्ट टू वेक अप। हाँ, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सी वो स्टेजेस हैं जिसमें हम मतलब पर्सन को उठाना बहुत मुश्किल होता है, अराउजल बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, तो वो स्टेज 3 एंड 4 है। अगर इनमें भी स्टेज 3 एंड 4 अलग अलग आता है तो हम स्टेज 4 ज्यादा ऑप्शन उनको देंगे। ठीक, वॉक एंड टॉक हैपन इन दिस स्टेज। वॉक एंड टॉक की कोई भी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नहीं बोलेंगे, वॉक एंड टॉक जो करते हैं नॉर्मली जो पर्सन कोई नींद में बातें करते हैं, नींद में चलते हैं, तो उनको हम स्ट्रेस 3 एंड स्ट्रेस 4 में रखेंगे क्योंकि इसमें डीप स्लीप होती है हमें, और डीप स्लीप में ही ये चीजें होती है।
अराउजल थ्रेस होल्ड इज हाईएस्ट इन स्टेज फोर. देखो यहाँ पर आ गया, स्टेज फोर में क्या होता है, अराउजल थ्रेस होल्ड मतलब अराइज करने का, उस पर्सन को उठाने का जो थ्रेश होल्ड, जो लास्ट पॉइंट है वो इसमें होता है. मतलब बहुत हमें मशक्कत करनी पड़ेगी उसको उठाने के लिए, आप ये समझ सकते हो. ठीक है, डीप स्लीप में होता है वो. ठीक है, उसकी मसल्स भी रिलैक्स होती है. हाई वोल्टेज, अब डीप स्लीप है और फ्रीक्वेंसी हमारी बहुत कम है तो ऑब्वियसली हाई वोल्टेज होता है. ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज आपको दे दी, उसका सही मिलान करो. तो याद रखेंगे हम कि स्टेज थ्री एंड फोर में हमारी फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है बट वोल्टेज हाई होता है. ठीक है, स्टेज वन में क्या होता है, फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है, वोल्टेज कम होता है. स्टेज टू में क्या होगा, उससे भी कम, उसे फ्रीक्वेंसी से तो जो पीछे वाली फ्रीक्वेंसी उससे थोड़ी सी ज्यादा होगी और वोल्टेज थोड़ी सी और ज्यादा होगी. मतलब हाँ, बहुत कम थी उससे थोड़ी ज्यादा होगी. क्लियर है, तो आप समझ गए. क्लियर है सभी को? मैडम ये सेकेंड लास्ट लाइन फिर से बताइए. हाँ, अराउजल थ्रेशोल्ड इज हाईएस्ट इन स्टेज फोर, मतलब स्टेज फोर में थ्रेशोल्ड हाईएस्ट होता है, मतलब वो डीप स्लीप होती है. थ्रेशोल्ड किसको बोलते हैं कि हाईएस्ट रेंज, इसकी जो पहाड़ की चोटी जो है उसको हम बोलेंगे ये इसका थ्रेशोल्ड है, लास्ट पॉइंट है. उस पत्थर से ऊपर हम नहीं जा सकते, वही लास्ट स्टेज है. तो डीप स्लीप ये इसका थ्रेशोल्ड है, लास्ट पॉइंट है. और अराउजल इसमें बोला गया है कि इस स्लीप तक, इस स्लीप में अराउजल हमें हमें उसको उठाने में प्रॉब्लम होगी. क्यों होगी? क्योंकि वो डीप स्लीप में, बहुत ही गहरे नींद में. क्लियर हुआ कुछ? हाँ मैम, और किसी को कोई डाउट? ठीक है, ये नेक्स्ट है रैम, व्हेन आईज मूव रैपिडली बीनीथ योर लिड्स, ये हो गया था. ठीक है, मसल्स आर पैरालाइज्ड, इसमें पैरालाइज्ड हो जाती है मसल्स, मतलब सुन हो जाती हैं. अगर इसमें रीजन भी है, मसल्स आर पैरालाइज्ड क्यों हो जाते हैं पैरालाइज्ड, पैरालाइज्ड मतलब मसल्स बिल्कुल रिलैक्स हो जाती हैं. क्यों हो जाती हैं? क्योंकि इसी में ही मैंने वो बताया था कि इसमें वो आते हैं, नाइटमेयर्स आते हैं. और अगर सपने में हम किसी को हार्म भी तो कर सकते हैं, हमारा हाथ उठ जाए, है ना. तो इसीलिए कहीं ना कहीं ऐसी ही बनाई गई है हमारी स्लिप की, हमारी मसल्स पैरालाइज हो जाती है. अगर सोचो हमारी मसल्स एक्टिव होती तो हम हार्म किसी कर देते, किसी को भी, किसी को नींद में ही चाटा मार देते, है ना. इसमें लिखा भी है शायद, बिकॉज इफ यू नॉट गेट पैरालाइज यू कैन हार्म योर सेल्फ और समवन. ठीक, और इसमें बताया था पैराडॉक्सिकल स्लीप होती है ये. ठीक है, ज्यादातर नाइटमेयर्स जो हैं वो इसी में ही होते हैं. क्लियर है? मैम ये रैम स्लीप, हाँ जी, जो है ये स्टेज थ्री और फोर के लिए बता रहे हैं क्या ये? स्टेज थ्री एंड फोर के बाद में आती है. इस तरीके उस इस किस तरीके से होता है, सबसे पहले आता है N1, ठीक है, फिर आता है हमारा N2, N3, N4, एंड देन आता है हमारा रैम. ठीक है, इस तरीके से होता है. मैम स्टेज जो है ना, जस्ट उठने से पहले होगी ना, जगने हाँ, से पहले. ये हर साइकिल में होता है, हर साइकिल में होता है, हर साइकिल ऐसे ही होती है. अब किसी किसी में क्या होता है, नेक्स्ट मतलब जैसे एक साइकिल तो ऐसे कवर हुई, जब दूसरी साइकिल आएगी तो उसमें N1 नहीं होगा, क्योंकि N1 कौन सी स्टेज है, जब हम सोने जाते हैं. हम जैसे सोने, अभी हम हमारी आंख बंद हो गई है, पर उस टाइम हमें याद तो सारी चीज रहती है ना, कि हाँ उस टाइम वही चीज याद आएगी, या तो हमने कुछ रिपीटेटिव किया है. ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि आपने कोई चीज रिपीटेटिव की, आज आप स्विमिंग पूल में गए, ठीक है, आप बार बार में वो झूला झूल रहे थे, ठीक, और वही आपको याद आ रहा है, तो वो चीज इसमें होगी N1 में. जो चीज, या फिर आपने सोने से पहले कोई चीज रिपीटेटिव की है वो आपको N1 में दिखेगी. ठीक है, या आप कुछ पढ़ रहे थे तो वो आपको दिखेगी, आप उसे पढ़ेंगे, कुछ भी करेंगे, ठीक है, तो वो N1 की स्टेज होती है. परंतु जब ये दूसरी साइकिल आती है, मतलब पहली स्टेज में तो ये सब कवर हो जाता है, सब आएगी, पर दूसरी स्टेज में N1 नहीं आता है, क्योंकि ये स्टार्टिंग फेज था, यहाँ से शुरू होता है डायरेक्ट.
क्लियर है सभी को? क्लियर है? एक यस बार और मैम। क्लियर। मैम ने पिछली बार जो बताया था वही नोट्स देखने पड़ेंगे मुझे, और उसी में ही आपको। तो क्या था, किस तरीके से होता है? चलो ये आपको क्लियर कर देते हैं। मुझे लग रहा था ये कोई ज्यादा ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें इसमें मुश्किल से दो तीन क्वेश्चन आते हैं मुश्किल से, है ना, और वो भी डीप में नहीं पूछते। ठीक, पर फिर भी आपको मैं बता देती हूँ। जैसे इसमें हमारी टोटल मान लो आप फाइव फाइव स्टेजेस हैं, ठीक है, पांच साइकिल होंगे इसमें, पांच साइकिल होंगी। साइकिल ये वन हो गई, ये सेकंड साइकिल हो गई, ये थर्ड हो गई, ये फोर्थ हो गई, और ये फिफ्थ हो गई, पांच साइकिल हो गई। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्टेज वन की। तो स्टेज वन में क्या होगा, सब आएंगे, N1, N2, N3, N4 और N5। क्लियर है सभी को? अब S2 में क्या होगा, N1 नहीं आएगी क्योंकि स्टार्टिंग का है। ठीक है, ये तो जब हम सोते हैं ना तब स्टार्ट होता है ये चीज। अब N5 के बाद में डायरेक्ट आएगा N2, N3, N4, N5। ठीक है, S3 में क्या आएगा, N2, N3, N5। S4 में क्या आएगा, N2, N3, N5। S5 में क्या आएगा, ये साइकिल्स मैं आपको बता रही हूँ, N3, N5। ठीक है, ये मान लो स्टेज वन है, ये साइकिल टू है, ये साइकिल थ्री है, ये साइकिल फोर है, और ये साइकिल फिफ्थ है। पांच साइकिल हो गई। ठीक है, और ये क्या है, ये स्टेजेस है, स्टेजेस हैं ये चाहो तो आप और किसी, जैसे ये स्टेज वन है ना, ये स्टेज वन है, तो इसको मैंने डिनोट किया है किससे, N1 से। क्लियर है सभी को? इस तरीके से चलते हैं। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चंस तो आपको आपके बन सकते हैं बहुत ज्यादा कि मैम N4 कहाँ गायब हो गया। मैंने अभी भी आपको बताया था कि N4 पहले की पहली दूसरी और तीसरी में ही आता है, उसके बाद में N4 नहीं आता, डीप स्लिप नहीं आती। ठीक है, अगर हमें गहरी निद्रा आ रही है, बहुत हमें थकावट हो रही है, तो वो हमारी बहुत पहले, मतलब पहले ही पूरी हो जाती है, स्टार्टिंग के 3-4 घंटे में ही, 2-3 घंटे में ही हमारी डीप स्लिप पूरी हो जाती है। ठीक है, उसके बाद में N2, N3, N5, N2, N3, N5 है, इस तरीके से आता है। ठीक है, इस तरीके से वो चलता रहेगा। तो इसको भी आप नोट कर लीजिए, समझने के लिए पूछ सकते हैं कि जो साइकिल होती है, जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते हैं तो कौन सी साइकिल्स कम हो जाती है। तो ये तो याद रखना है कि N1 तो हट ही जाता है बिल्कुल, वो तो स्टार्टिंग में ही आता है। क्लियर है ये? कोई डाउट है? वैसे इतना डीप क्वेश्चंस क्वेश्चंस पूछते नहीं है, पर फिर भी मैंने आपको बताया समझाने के लिए कि साइकिल्स इस तरीके से काम करती है। साइकिल तो पूरी चलेगी, पर उसमें ये N1, N2, ये N1 नहीं होगा, आगे फिर N4 नहीं होगा। ठीक है, मैम ये S2 S3 ये सब ये क्या है? S1, S2, S3 ये तो साइकिल्स हैं, अभी तो मैंने बताया आपको साइकिल चाहिए, मैंने ये डिनोट किया है, जो N1, N2, N3, N4, N5 है, ये तो हमारी स्लिप वो है, स्टेजेस जो है, स्टेज 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, अब मैम एस वन एस टू क्या है, ये साइकिल्स हैं। हाँ जी, इसमें एन जो है वो नॉन रेम स्लिप के है क्या? एन नहीं डिनोट्स? नहीं जो हमने अभी साइकिल्स पढ़ी है, कितनी साइकिल्स पढ़ी है हमने, पहले स्टेज वन पढ़ी थी, सॉरी, हमने पहले स्टेज वन पढ़ी, फिर स्टेज टू, फिर स्टेज थ्री, फिर फोर, एंड फिर रैम पढ़ी। ठीक है, जो फिफ्थ स्टेज है, यही स्टेजेस हैं ये सारी। ठीक है, ये सारी यही स्टेजेस है। अब मैंने बताया था पांच साइकिल होती है ना, चार होगी या पांच होगी, तो ये पांच साइकिल इस तरीके से चलेगी कि पहली साइकिल में ये सब कवर हो जाएगा, दूसरी साइकिल में N1 नहीं आएगा, क्योंकि N1 हम जब स्टार्टिंग में सोना चाहते हैं तब आता है सिर्फ। क्लियर है ये किसी को? कोई डाउट?
मतलब अब आ रहा है समझ में? ये मैंने साइकिल्स बताई कि कौन सी साइकिल्स किस हाँ यस मैम, तो तरीके इसका और रेंज स्लिप का कुछ रिलेशन नहीं है, मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था यन देख के। ओके नहीं, मैंने पूरा पूरा बता के उसके बाद में ये चीज बताई है कि ये ऐसे होगा, ठीक है? इसमें आप ऐड अपने आप से बना सकते हैं कि ये टोटल टोटल साइकिल्स कितनी होती है, 5 होती है, और स्टेजेस हमारी कितनी होती है, स्टेजेस हमारी कितनी होती है, 5 होती है, 4 नॉन रैम की और 1, 4 नॉन रैम की और 1 रैम की, ठीक है? तो वो काम किस तरीके से करती है, पहली साइकिल में कौन, पहली साइकिल में N1 होता है, N2, N3, N4, N5 होता है। जब दूसरी साइकिल आती है उसमें N1 नहीं होता, तीसरी साइकिल में N1 भी नहीं होता, N4 भी नहीं होता, चौथी साइकिल में N1 N4 नहीं होता, फिफ्थ साइकिल में N1 N4 नहीं ओके होता। मैम, जो आपने 90 मिनट्स में जो डिवाइड किया था वो बता रहे हो ना, मतलब आप। हाँ, 90 मिनट्स की एक साइकिल है, तो उस एक 90 मिनट में पहले 90 मिनट में क्या हो रहा है, दूसरी 90 मिनट में क्या हो रहा है, क्लियर है? यस मैम। ठीक है, मैम N4 क्यों स्किप हो रहा है, एक बार बताइए। हाँ जी, एक पार्डन, N4 जो आपने बोला ना थर्ड साइकिल में नहीं है, तो वो क्यों नहीं हो रहा है? यन मोन तो समझ में आया कि हाँ ठीक है। इसका रीजन ये मानेंगे हम कि हम जैसे इसमें पढ़ रहे हैं ना, स्टेज 3 ये है, तो इसमें क्या बताया है कि स्टेज 3 एंड स्टेज 4, ठीक है? तो स्टेज 3 तो हमारी, इसमें इसमें बहुत सारी चीज है, मतलब हम ना बहुत छोटा करके आपको समझा रहे हैं, इसमें बहुत सारी चीज लिखी हुई है। तो स्टेज 3 क्या होती है, ऐसा होता है कि पहले स्टेज 3 छोटे थोड़े समय के लिए आती है, 3 से 5 मिनट, और स्टेज 4 आता है ज्यादा, 10 से 15 मिनट, ठीक है? फिर सेकंड में क्या होता है, सेकंड में भी ऐसा ही होता है, जो S3 है ये तो आएगा 5 मिनट, और S4 आ गया हमारा 10 से 15 मिनट। अब थर्ड साइकिल में क्या होता है, ये दोनों मर्ज हो जाती है, मर्ज हो जाती है ये दोनों, ठीक है? या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि ये वाली जो बिल्कुल डीप स्लीप थी, लॉन्ग डेल्टा वेव्स, वो नहीं आएगा क्योंकि वो हमारा पूरा हो चुका है, ठीक है? तो S4 इसी में ही मर्ज हो जाता है। अब S3 बड़ा हो जाता है, इसका टाइम पीरियड बढ़ जाता है, 5 मिनट से ये 15 से 20 मिनट हो गया, ठीक है? इसमें लिखा होता है कि प्रोग्रेसिवली जैसे जैसे साइकिल बढ़ती है, स्टेज 3 हमारी बढ़ती रहती है, 5 मिनट से वो 15 से 20 मिनट जाती है, ठीक है? जी, ठीक मतलब मर्ज हो जाती है दोनों, क्लियर है? जी मैम, थोड़ा सा हो सकता है डाउट, आप एक बार खुद से पढ़ना, नोट्स बनाते रहो तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है? मुझे लग रहा था ये डाउट तो होगा ही, पर आप पढ़ते रहो, पढ़ोगे आप धीरे धीरे तो आपको समझ में आने लग जाएगा, ठीक है? और दूसरी बार भी पूछ सकते हो, ऐसा तो है नहीं कि आज पढ़ा दिया हो दोबारा नहीं पूछेंगे हम, क्लियर है? ओके जी, तो क्वेश्चन आंसर मैं पूछ लूं क्या, कि स्टार्ट करूं आगे? मैं सोच रही थी पहले क्वेश्चन आंसर पूछ लेती, पूछ लीजिए मैम, रिवाइज होगा। ठीक है? तो फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं ड्यूरिंग स्लीप, स्लीप के दौरान हमारे बॉडी में फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, ठीक है? तो मेघा जी बताएंगी हमारे हार्ट रेट पर क्या इफेक्ट पड़ता है, हमारी हार्ट रेट बढ़ती है, नॉर्मल रहती है कि कम हो जाती है ड्यूरिंग स्लीप? मेघा जी, यस मैम, मैम फिजियोलॉजिकल स्लीप जो होगी वो रैम स्लीप होगी, तो बढ़ेगी, हार्ट रेट बढ़ेगा। ओके, तो जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस मैं पूछ रही हूँ, जो अब हम सोते रहते हैं उस टाइम हमारे बॉडी में क्या चेंजेस, क्या क्या चेंजेस होते हैं, मैं ये पूछ रही हूँ, क्या क्या हमारे बॉडी की फिजियोलॉजी में चेंज होता है, फिजियोलॉजिकली क्या चेंज होता है, ठीक है? तो रैम नॉन रैम का तो कुछ नहीं है इसमें, ठीक? ओके ओके, हार्ट रेट हमारी बढ़ती जब है, जब हम भागते हैं, दौड़ते हैं, मैम कम टेंशन हो लेते हैं, जाएगी, हार्ट रेट कम हो जाएगी और हार्ट रेट, ब्रेन ब्रेन भी रिलैक्स होगा, हाँ ठीक है, और हमारी रेस्पिरेटरी रेट कम वो भी कम हो जाएगी, टाइडल हो जाएगा, हमारा टाइडल वॉल्यूम, वॉल्यूम भी कम होगा, पल्मोनरी वेंटिलेशन, पल्मोनरी वेंटिलेशन
ये लंग से बढ़ेगा शायद, रिलेटेड कम होगा, ठीक है, कम सारी होगा। चीजें कम होंगी, ठीक है। ओके पल्मरी वेंटिलेशन, पल्मरी किससे रिलेटेड है, लंग से रिलेटेड है, लंग, ठीक है। तो उसमें क्या आएगा, हमारा ब्रीदिंग से रिलेटेड होगा वो, जब रेस्पिरेटरी रेट डिक्रीज हो रहा है तो पल्मरी वेंटिलेशन भी कम, ठीक है। पूनम जी बताएंगी, हमारा लैक्रिमल ग्लैंड है, दो मैंने सिक्रेशन बताया था, लैक्रिमल ग्लैंड का सिक्रेशन बढ़ता है कि कम होता है, कम होता कम होता है, और सलाइवरी सिक्रेशन वो भी कम होता। वो भी कम होता है, ठीक है। उसमें ना कुछ मैंने लिखा नहीं था शायद, तो वो मैंने करेक्शन कर दिया है, जब मैं इसको सेंड करूंगी ग्रुप में तो आप सभी देख लीजिएगा, ठीक है, मैम या कुछ भी फिर नहीं कर मैं, हाँ, सकते, या फिर मैं दिखा दूंगी। हाँ जी, मैं ही पूछ रही हूँ, फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं हमारी स्लिप के दौरान, तो उसमें हमारे जो हमारी ग्लैंड्स हैं, एक्सोक्रीन ग्लैंड्स होती है ना, लैक्रिमल ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड, तो उनपे क्या इफेक्ट पड़ता है, वो क्या काम करती है ड्यूरिंग स्लिप, ठीक है, तो इनका सिक्रेशन कम हो जाता है, ठीक है। ये मेरा क्वेश्चन था, क्लियर है सभी को, नेक्स्ट ठीक है। नेक्स्ट है बायोलॉजिकल रिदम क्या होता है, राखी जी बताएंगी, बायोलॉजिकल रिदम कम होगा मैम, क्या बताया था मैंने, बायोलॉजिकल रिदम कम ज्यादा का तो कुछ नहीं रिलेशन इसमें, मैंने पूछा है क्या होता है बायोलॉजिकल रिदम, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, पहले या दूसरी स्लाइड में पढ़ा था, पहली स्लाइड में शायद, कि बायोलॉजिकल रिदम क्या होता है, सिर्कैडियन रिदम क्या होता है। मैम आपने थोड़ा सा बस मुझे याद है, जैसे कि नाइट होती है तो हमारा मतलब या अंधेरा होता है तो मेलाटोनिन सिक्रेशन चालू हो जाता है, फिर हार्ट रेट भी किसी टाइम पर इंक्रीज हो जाता है, इस टाइप का था, पर एक्यूरेट मुझे याद नहीं है वो, लेकिन यही ओके, पूछ रहे हैं ना। ठीक है, प्रियंका जी बताएंगी, प्रियंका जी बताएंगी, मैम मैं ही तो बता रही थी अभी, तो राखी जी बता रही थी ना अभी, तो मैम उसके बाद मैंने बताया था। ओके, ठीक है, तो संतोषी जी बताइए। मैम हमारे बॉडी में जो साइकिल चलता है एक नियत टाइम के लिए, जैसे 1 मंथ, 6 मंथ ऐसे वाला, उसको बायोलॉजिकल रिदम बताए, और जैसे सिर्कैडियन, हमारा पीरियड्स वाला ओके, और सिर्कैडियन एग्जांपल उसका, उसी को सर्कैडियन रिदम, सर्कैडियन साइकिल भी बोलते हैं, बताए। ओके ठीक है, ओके। तो रश्मि जी बताना चाह रही, रश्मि जी बताएंगे, और दोनों को अच्छे से डिफरेंशिएट कीजिए, रश्मि। मैम जो बायोलॉजिकल रिदम होती है वो साइक्लिक चेंजेस इन प्रोसेस होता है, वो मंथ में ईयर में जो भी चेंजेस होते हैं बॉडी में दैट इज द बायोलॉजिकल रिदम। एंड जो कार्डियक रिदम होता है वो भी साइक्लिक चेंज इन द बॉडी होता है, बट वो पर डे का होता है, जैसे डे में दिन में हमारी नींद खुल जाती है और रात जैसे अंधेरा होने लगता है नींद आने लगती है, तो जो डे में जो चेंज होता है दैट इज कार्डियक रिदम। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। देखो हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं क्लास में, पर जब तक हम उनको दोबारा रिवाइज नहीं करेंगे तो हमें क्लियर नहीं होंगी चीजें, तो इससे बढ़िया, इससे तो कुछ फायदा ही नहीं होगा, हम तैयारी कर भी रहे हैं और हमें कुछ याद भी नहीं हो रहा, ये तो जस्ट कुछ दिन पहले ही तैयारी चल रही है, अभी अभी कुछ दिन बाद में, 10-15 दिन बाद में एग्जाम आ जाएगा, शायद 20 दिन बाद में एग्जाम है, ठीक है, तो ऐसे तो नहीं चलेगा काम। जो भी है बहुत ही छोटी छोटी चीजें, इनकी सिर्फ एक एक चीज आपको पकड़नी है, मैं इसीलिए मैं ज्यादा लंबा करके नहीं बताती चीजों को, शॉर्ट शॉर्ट में एक एक चीज याद करना है, जैसे मैंने क्या बताया था सिर्कैडियन में, जो पर डे जो होता है, हर सिंगल डे हम उसी टाइम पे उठते हैं, उसी टाइम पे सोते हैं, अगर हम लेट भी उठ जाते हैं तो भी हम, अगर हम लेट भी सोते हैं तो भी हम उसी टाइम पे उठते हैं, हमारी उसी टाइम पर आंख खुलती है, ऐसा क्यों होता है, ये होता है ड्यू टू सर्कैडियन रिदम, ठीक है, जो हर दिन मेंटेन करता है, हर दिन हमें कब भूख लगनी है, कब क्या काम करना है, उसको हम बोलेंगे सर्कैडियन रिदम, पर डे रेगुलरिटी जो होती है, जो जो चेंज करना है, ठीक। और बायोलॉजिकल रिदम होता है जो मंथ में, मतलब एक गैप के दौरान रेगुलर आता है,
गैप होता है उसमें, कि इतने गैप के बाद में वो आएगा ही आएगा, ठीक है, इतने गैप के बाद में वो आएगा। जैसे सर्दी गर्मी होती है, हर 6 महीने बाद सर्दी आती है फिर गर्मी आती है, उसी तरीके से इसमें एक टाइम पीरियड होता है, उसके बाद में वो फिर आता है, वो होता है बायोलॉजिकल रिदम, ठीक है। जैसे हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल सबसे इसका सही एग्जाम्पल है, हर महीने में 35 दिन या 28 दिन के गैप में आएगा ही आएगा। क्लियर है सभी को? यस मैम। से बताऊं? यस मैम। ठीक है, सुप्रा कैस्मेटिक न्यूक्लियस क्या होता है? पहले तो हैंड रेज कर लीजिए, बता दीजिए किन किन को पता है, हैंड रेज कीजिए सर। मैंने बताया था सुप्रा कैस्मेटिक न्यूक्लियस। सिर्फ 6 लोगों को पता है सिर्फ। नेहा जी बताएंगे? जी मैम, आपने बताया था कि ये एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है, यानी इसमें हम हमें मिनिमम कॉन्शियसनेस चाहिए, बहुत कम अवेयरनेस चाहिए इसमें हमें तो। और इसका जो पोर्शन ऑफ जो हाइपोथैलेमस है वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल इसमें निभाता है मैम। ठीक है, साक्षी जी जी बताएंगे? मैम, इसमें आपने बताया था जो हाइपोथैलेमस होता है वो सर्कैडियन रिदम होती है जो उसको रेगुलेट करने में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, ये बताया था। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सुप्रा कियास्मेटिक न्यूक्लियस जो है वो हाइपोथैलेमस का एक छोटा सा पार्ट है, ठीक है, वही रेगुलेट करता है हमारे सर्कैडियन रिदम को, ठीक है। इसको और डीप में समझे तो जो हमारा रेटिना जो है आईज का, वो ग्रैब करता है चीजों को, अ ग्रुप ऑफ रेटिनल न्यूरॉन्स हम बोल सकते हैं, जो इंफॉर्मेशन लेके आता है कि हाँ अब थोड़ा थोड़ा अंधेरा हो रहा है और हमें शायद सोना चाहिए, या हमें वो एक्टिविटीज करनी चाहिए जो अभी धीरे धीरे अंधेरा हो रहा है। तो वहां की न्यूरॉन्स इंफॉर्मेशन लेके जा लेकर सीधा सुप्रा कैस्मेटिक न्यूक्लियस को देते हैं, ठीक है। फिर वो बताता है कि हाँ सर्कैडियन रिदम अभी चलनी है, अभी हमें सोना है, ठीक है, या अभी हमें ये काम करना है। सुप्रा कैस्मेटिक सिर्फ वो अंधेरे और उजाले वाला है, सिर्फ वो चीज देखता है, क्योंकि वो रेटिना से इंफॉर्मेशन आ रही है, उससे कनेक्टेड है सुप्रा कैस्मेटिक, ठीक है। तो रेटिना तो यही देखेगा, सुबह हो गई और दिन निकल गया तो हमें ब्राइटनेस दिख रही है, ब्राइटनेस दिख गई तो फिर हमें दिमाग में वही सर्कैडियन रिदम चल रही है पूरी, तो वही हमें बताएगा कि हमें उठना है अभी। क्लियर है कि डाउट है? मैम क्लियर है। ठीक है, आप प्लीज रिवाइज करते रहिए, अगर आप बोलेंगे तो मैं आपको फिर से रिवाइज करा दिया करूंगी, पीछे का थोड़ा थोड़ा 10 मिनट लेके मैं पीछे का रिवाइज भी करा दूंगी, पर आपको खुद से तो रिवाइज करना ही पड़ेगा एक बार, ठीक है। आप खुद से भी रिवाइज करेंगे तो और भी क्वेश्चन अराइज होंगे कि मैम ने ये क्यों बताया, ये क्यों बताया। पैरासिंपेथेटिक किस में एक्टिवेशन एक्टिवेट होता है, नॉन रैम में या रैम में? मेघा जी बताएंगी? मैम मेघा जी बताइए, रैम में, नॉन रैम में होता है, नॉन रैम मैम, क्लियर नहीं है? प्रियंका जी नॉन बताइए। अच्छा ठीक है, रैम मैम, नॉन रैम, नॉन रैम। ठीक है, ओके। 75% ऑफ स्लीप हमारी कौन कवर करता है? संतोषी जी बताइए। ओके रैम ओके, रैम प्रियंका जी? रैम का जो रैम में तो मैम आएगा नहीं ना, उस टाइम नींद इतना नहीं आता मैम। राखी जी मैंने ना बताएंगे? 3-4 क्लासेस स्टार्टिंग के लिए नहीं है, मुझे नॉन रिकॉर्डिंग रैम सुननी है। में, नॉन रैम में, नॉन रैम में 75% ऑफ स्लीप हाँ कंप्लीट हो जाती है, और ओके, रैम में 25% हो जाती है। बहुत कुछ डाउट लग रहा है मुझे तो, आप मुझे नहीं पता, या तो मैं गलत पढ़ा रही हूँ या फिर आप पढ़ नहीं रहे, मुझे नहीं पता, ठीक है। तो शायद पढ़ाई ठीक से नहीं हो पा रही, जो भी है नॉन रैम होता है, 75% कवर करता है हमारा नॉन रैम रीजन, ठीक है, 25 हमारा रैम कवर करता है, पूरी स्लीपिंग का, ड्यूरिंग स्लीप, पूरा स्लीप। क्लियर है?
कोई डाउट है इसमें? आप देखो पीछे जाके, आपको दिखेंगे नोट्स में लिखा होगा आपने, ठीक है? क्लियर है? ओके, तो ठीक है आगे चलते हैं। अभी आपका, मैं तो सोच रही थी आपको पीछे आप रिवाइज करके आए हो, तो अभी हम स्लीप डिसऑर्डर्स करते हैं। अभी क्या करना है बताओ, टाइम तो हमारा पूछने में ही निकल गया सभी। मैम थोड़े क्वेश्चन और पूछ लीजिए। ओके ठीक है, इससे आपको भी आइडिया हो जाएगा ना, ठीक है? तो मुझे देखना पड़ेगा। पैराडॉक्सिकल स्लिप किसे कहते हैं? पैराडॉक्सिकल स्लिप किसे कहते हैं? हैंड रेस करेंगे सर। पैराडॉक्सिकल स्लिप किसे कहते हैं? नेहा जी बताएंगे। जी मैम, जो नॉन रैम में हमें जो स्लीप आती है वो पैराडॉक्सिकल स्लीप होती है। ओके, संतोषी जी बताएंगी। रैम है मैम। राखी जी बताएंगी। रैम है मैम। रैम जो रैम रैम ही बोला ना मैम मैंने, एक्टिव नॉन रैम बोल दिया, एक्टिव स्लीप होता है। रैम रैम है। ओके जी, मुझे हाँ मैम गलती से हो गया वो, बट रैम है मुझे पता है जी। ठीक ठीक, हाँ तो रैम स्लिप को हम पैराडॉक्सिकल बोलते हैं। पैराडॉक्सिकल मतलब क्यों हम पैराडॉक्सिकल बोल रहे हैं? क्योंकि हम पूरे डीप स्लिप में हैं और एकदम से वो एक्टिव स्लिप आती है हमें, ठीक है? एकदम से उसकी रेंज बढ़ जाती है, एक चेंज आ रहा है ना एकदम से, इस वजह से उसको पैराडॉक्सिकल बोल रहे हैं। क्लियर? ठीक है मैम, फिर से बताइए इसके बारे में। मैं कह रही हूँ जैसे कि हम अभी हम स्टार्ट करते हैं, पहले हम थोड़ी सी नींद में थे, ठीक है? उसके बाद में फिर और डीप स्लिप में गए, और डीप स्लिप में गए, और डीप स्लिप में गए, पूरा डीप स्लिप में गए, स्टेज फोर तक गए। उसके बाद में एकदम से हम रैम में जाते हैं। रैम रैम में क्या होता है, हम एक्टिव हो जाते हैं, हमारा ब्रेन एक्टिव हो जाता है, ठीक है? इस वजह से वो एकदम से जो कॉन्ट्राडिक्शन आया है ना, इस वजह से उसको पैराडॉक्सिकल बोलते हैं। क्लियर है? एकदम से जो चेंज आया है, इस वजह से इसको पैराडॉक्सिकल स्टेज बोलते हैं। जो या फिर एकदम से बोल सकते हैं जो एक्सेप्शन जो चीजें होती हैं एकदम से जो आती हैं, ये भी बोल सकते हैं। क्लियर है? ठीक, ओके। ब्रेन एक्टिव किसमें होता है, नॉन रैम में या रैम में? राखी जी बताएंगी। रैम में एक्टिव होता है ब्रेन में। ओके ठीक है। ठीक है, और तो बाकी सब हो गया कवर, बाकी हो गया सबका, ठीक है? ईईजी का फंक्शन कोई बता सकता है? ईईजी का फंक्शन ब्रेन ब्रेन की एबनॉर्मलिटीज को डिटेक्ट करना। ओके ठीक है, फुल फॉर्म ऑफ ईईजी नेहा जी बताएंगी। फुल फॉर्म ऑफ ईईजी जी मैम, ये इलेक्ट्रॉन इनसेप्लो क्या है इसके बाद, ये इन ग्राफ इलेक्ट्रॉन इनसेप्लो, हाँ इनसेप्लो ग्राफ मैम, अनुच्छेद नहीं आ रहा मुझे। ठीक है, और ईएमजी रश्मि जी बताएंगी। ईएमजी मैं बताऊँ, इलेक्ट्रोमायोग्राफी। रश्मि जी बताइए। मैम ये मतलब मैंने पढ़ा नहीं था तो मुझे इसका पता भी नहीं है, बट शायद समथिंग इज अबाउट मोटर एक्टिविटीज। ओके हाँ वेरी गुड, इलेक्ट्रोमायोग्राफी से बोलते हैं, ठीक है? हाँ ये मोटर एक्टिविटीज को मेजर करता है, जो भी सेंसरी और मोटर इन्फॉर्मेशन जो जा रही है हमारी मसल से, उसमें निडल्स होती है, वो इंगेज कर देते हैं, अंदर पुश कर देते हैं हमारी ब्लड वेसल में,
ठीक है, तो वहां से वो इन्फॉर्मेशन देते हैं कि किस किस क्वालिटी का कितना क्वांटिटी का सिग्नल आ रहा है जा रहा है हमारे मसल्स। क्लियर? ठीक है, थैंक यू मैम। ओके, तो आगे देखते हैं। क्लियर है सभी को? स्लिप डिसऑर्डर्स स्टार्ट करते हैं अभी। ठीक है मैम, एक और था ईओजी, उसका भी फुल फॉर्म बता दीजिए। ओके ओके ओके, ठीक है। ईओजी क्या बताया था मैंने? इलेक्ट्रो ऑक्युलोग्राफी। इलेक्ट्रो ऑक्युलोग्राफी जो हमारे आईज के मूवमेंट को मेजर करता है, आईज में क्या कितना क्या बोलते हैं उसको, जो वर्ड था हमारा, जो आई मूवमेंट जो रेटिनल आई थिंक, हाँ हाँ कॉर्नियो रेटिनल, ठीक है, वो मेजर करते हैं, हमारे आईज के दोनों साइड रख देते हैं या फिर ऊपर भी रख सकते हैं, ठीक है, और यहाँ नीचे भी रख सकते हैं, आंखों के चारों ओर रख सकते हैं इलेक्ट्रोड्स। फिर वो देखता है कि हमारी आई बॉल कितनी मूवमेंट हुई है पूरी रात में या एक स्पेसिफिक टाइम में हमारी आई बॉल कितनी मूवमेंट हुई है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर वो मेजर करते हैं कि आई बॉल मूवमेंट हुई है तो वो रैम स्लीप है, इतने देर रैम स्लीप हुई है, इतनी देर नॉन रैम स्लीप हुई है। क्लियर? ओके, थैंक यू मैम। ठीक है, तो अभी हम पढ़ेंगे ये स्लीप डिसऑर्डर्स। ठीक, नींद में कौन कौन सी हमें डिसऑर्डर्स होते हैं, मतलब अगर हम सही से सो पा रहे हैं, हमारे 7 से 8 घंटे की नींद हम अच्छे से ले पा रहे हैं और अगले दिन उठने के बाद हम बिल्कुल फ्रेश फील कर रहे हैं, ठीक है, और हमारा डेली रूटीन कर पा रहे हैं अच्छे से, तो वो होगी हमारी हेल्दी स्लिप। ठीक, और स्लिप डिसऑर्डर या तो हम सही से सो नहीं पा रहे या उसकी वजह से हमारा पूरा दिन पूरा रूटीन खराब होता जा रहा है, ठीक है, या हम कोई भी चीज प्रोडक्टिव नहीं कर पा रहे तो वो स्लिप डिसऑर्डर में आएगा। ठीक है, मतलब नींद की वजह से हमारा नेक्स्ट डे कोई प्रोडक्टिव वर्क नहीं हो रहा, ठीक है, और वो कॉन्टिन्यूटी में हो रहा है, ऐसे नहीं कि हफ्ते में एक दिन होगा, वो नहीं आएगा उसमें, ठीक है, वो तो डिसऑर्डर तो तभी होगा जब वो लंबे समय तक चलेगा। तो पढ़ते हैं, स्लिप डिसऑर्डर्स आर कंडीशंस दैट इम्पेयर योर स्लिप, दैट इम्पेयर योर स्लिप, जो हमारी स्लिप को इम्पेयर कर देता है और प्रिवेंट यू फ्रॉम गेटिंग रेस्टफुल स्लिप, और जो हमारी रेस्टफुल स्लिप छीन लेता है, ठीक है, and as a result can cause daytime sleepiness and other symptoms. उसका result क्या होता है, हमें daytime sleepiness feel होता है, हमें दिन में नींद आना मतलब ऐसा feel होगा और भी अलग अलग symptoms, ठीक है, तो obviously अगर हमें नींद रात को सही से नहीं आई तो हम अगले दिन हमें sleepiness feel होगा या और भी अलग symptoms दिखाई दे सकते हैं, ठीक है। You regularly experience difficulty sleeping, मतलब ये बता रखा है कि उस क्या क्या होता है उस कंडीशन में, यू रेगुलरली आपको क्या एक्सपीरियंस होगा, डिफिकल्टी इन स्लीपिंग, सोने में दिक्कत होगी, प्रॉब्लम होगी। यू आर ऑफन टायर्ड ड्यूरिंग द डे इवन दो यू स्लेप्ट फॉर एटलीस्ट 7 आवर्स द नाइट बिफोर, ठीक है, आप बहुत थके हुए आए हैं काम से तो आपको जरूरी है 7 से 8 घंटे की नींद लेना, ठीक है, अगर आप ऐसा ले पा रहे हो डीप स्लीप तो That's great. नहीं तो कोई disorder है। You have a reduced or impaired ability to perform regular daytime activities. जो अभी मैं बताई थी आपको कि उसकी वजह से आपको regular daily activity करने में perform करने में problem आएगी, impairment होगा, ठीक। There are approximately 18 different There are approximately 80 different types of sleep disorders, ठीक है? The top ones are, top में कौन कौन सी है ये बता रखा है, insomnia, sleep apnea, restless syndrome, narcolepsy, parasomnia, abnormal sleep behavior disorder, night terrors, ये most of the sleep disorders है जो देखी गई है, ठीक है। insomnia क्या होता है, जो हमें नींद नहीं आती उसे बोलते हैं इंसोम्निया, उसका रीजन कोई भी हो सकता है पर हमें डीप स्लिप नहीं आ रही है, ठीक है, हमें नींद ही नहीं आ रही है, या फिर ये समझेंगे हम कि हम स्टेज वन में ही फंसे पड़े हैं, उससे आगे जा ही नहीं रहे, ठीक है, उसको बोलेंगे हम इंसोम्निया, ठीक, हमें नींद आ ही नहीं रही।
स्लिप एपनिया, स्लिप एपनिया में क्या होता है, स्लिप मतलब निद्रा, एपनिया मतलब कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाना, सोते समय कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाना। ठीक, इसके भी दो टाइप है, एक है सेंट्रल स्लिप एपनिया, एक है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लिप एपनिया। ठीक है, स्लिप एपनिया क्या है, सोने के टाइम पे कोई बाधित बाधा आ जाती है। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम से सॉरी सेंट्रल स्लिप एपनिया से क्या हम समझेंगे, दो टाइप मैंने अभी इसके बताए, सेंट्रल स्लिप एपनिया और ऑब्स्ट्रक्टिव स्लिप एपनिया। ठीक है, तो ये नेक्स्ट स्लाइड में है, देखो यहाँ है सेंट्रल स्लिप एपनिया। इसमें क्या होता है, जो हमारा नर्वस सिस्टम है और हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, वो दोनों कनेक्टेड होते हैं। जितने भी सिस्टम है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, एक्सोक्राइन सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम है, वो सभी नर्वस सिस्टम से तो जुड़े हुए रहते हैं ना। तो सेंट्रल स्लिप एपनिया में क्या होता है कि ये कनेक्शन कट हो जाता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम का कनेक्शन कट हो जाता है। ठीक है, मतलब ये दोनों ये रेगुलेट नहीं कर पाता, कनेक्शन हट जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का और स्लिप रेस्पिरेटरी। इस वजह से हमें डीप स्लिप में या फिर बीच में रात को सोते सोते बीच में कहीं भी कभी भी डिस्टर्बशन हो सकता है, मतलब डिस्ट्रक्शन आ सकती है, हम एकदम से उठ जाएंगे, हमारी एकदम से सांस फूलने लग जाएगी, क्योंकि हमें हमें तो ब्रीदिंग आ ही नहीं रही थी, है ना, क्योंकि हमें ब्रीदिंग नहीं हो पा रही थी ना अच्छे से। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का रेस्पिरेटरी से तो फंक्शन हट गया, नर्वस सिस्टम उसको सिग्नल देना भूल चुका है, अब रेस्पिरेटरी सिस्टम अपने आप कैसे काम करेगा। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होता है, उस कंडीशन में हमारा जो नर्वस सिस्टम सॉरी रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो रुक जाएगा, या तो हम हाँफने लग जाएंगे एकदम से, तेज तेज सांस लेने लग जाएंगे, या फिर हमारी सांस फूल जाएगी, ठीक है, उठ जाएंगे, ये होती है सेंट्रल स्लिप। दूसरा है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लिप एपनिया। इसमें क्या है, ये हमने शायद उसमें पहले डिस्कस किया था, एक बार 2 दिन पहले सद दिया था, जो हम सांस लेते हैं, जो बहुत ज्यादा स्नोरिंग करते हैं, खराटे लेते हैं, वैसे भी मुंह खोल के सोते हैं। ठीक है, तो जो हमारी ब्रीदिंग जो जाती है, हमारी सांस की जो नली होती है, यहाँ पर एक सॉफ्ट टिश्यू होता है। ठीक है, तो सांस लेते लेते समय, देखो मैं देखना पड़ेगा उससे ज्यादा अच्छे से क्लियर समझ पाएंगे। तो हाँ ये ठीक है, तो इसमें क्या था, जैसे ये हमारी यहाँ से, ये हमारी इधर से आती है, ये हमारी आ रही है, यहाँ से एयर आ रही है। ठीक है, तो क्या होता है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लिप एपनिया में, ये जो सॉफ्ट टिश्यू है, ये दोनों चिपक जाते हैं, या फिर यहाँ पर डिस्टेंस बहुत कम हो जाती है, ब्लॉक हो जाता है ये एयर भी, यहाँ पे सांस आने में इधर से कहीं से भी सांस नहीं आ रही, अंदर नहीं जा रही। ठीक है, तो एकदम से उठ जाएगा वो आदमी, क्योंकि उसे पूरी ब्रीदिंग नहीं मिल रही, एयर नहीं आ रही पूरी। ठीक है, तो ये जो सॉफ्ट पैलेट है ये, और ये यू वाला, यहाँ पे डिस्टेंस बिल्कुल कम हो जाएगी, ब्लॉक्ड एयर वे हो जाएगा, जिस वजह से ऑब्स्ट्रक्टिव स्लिप एपनिया। और सेंट्रल स्लिप एपनिया हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो कनेक्शन है वो हट जाता है। क्लियर है? हाँ मैम एक बार और इसको बता दीजिए। ठीक है, तो ये है, ये जो डायग्राम है ये है हमारा किसका, स्लिप एपनिया का, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लिप एपनिया। इसमें क्या होता है, यही पर इसी में ही बताती हूँ। ठीक है, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लिप एपनिया इसमें क्या होता है, इज कॉज्ड बाय ब्लॉकेजेस इन द अपर एयरवे दैट रेस्ट्रिक्ट ऑक्सीजन टू द बॉडी, जो हमारी बॉडी के लिए ऑक्सीजन को रेस्ट्रिक्ट कर देता है। यहाँ पे जो हमारा सॉफ्ट पैलेट जो होता है वो हमारे यूवाला से हमारी जो चिपक जाता है, मतलब जो डिस्टेंस जो है जहां से हमारी ब्रीदिंग आ रही है, सांस आ रही है, वो जो जगह है, जो एयर वे है, वो ब्लॉक हो जाता है, जिस वजह से हमारी प्रॉपर ब्रीदिंग नहीं हो पाती। ये है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लिप एपनिया। लंग्स में जाएगा ही नहीं ऑक्सीजन, क्योंकि ऊपर से तो बंद हो गया, ब्लॉक हो गया, अब सेल्स वहां की, मतलब वही है ना, ऑक्सीजन नहीं हो, हमारे बॉडी में नहीं वो आएगा, तो हम एकदम से उठ जाएंगे, हम तेज तेज सांस लेंगे, क्योंकि हमें ऑक्सीजन चाहिए बहुत। क्लियर है?
और सेंट्रल स्लीप एपनिया में क्या बताया था, अकर्स व्हेन द ब्रेन एरिया दैट कंट्रोल्स योर ब्रीदिंग डज नॉट फंक्शन करेक्टली ड्यूरिंग स्लीप। जो हमारा ब्रीदिंग को कंट्रोल करने का जो एरिया है ना, वो काम करना बंद कर देता है, वो डिसफंक्शन हो जाता है। डिसफंक्शन ही बोलेंगे, वो कुछ देर के लिए काम करना बंद कर देता है, डज नॉट फंक्शन, नहीं करता, ठीक है। तो इस वजह से सेंट्रल स्लीप एपनिया होता है, ठीक। तो हम यहाँ थे, स्लीप एपनिया होगा, हुआ क्लियर। उसके बाद में आता है उसके बाद में आता है रेस्टलेस लेग्स सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, हमारे जो हम सोते टाइम ना बार बार में पैर चलाएंगे, हमें सेंसेशन क्रिएट होगा कि कोई तो हमारे ऐसे कोई इंसेक्ट हमारे पैरों में चल रहा है, गुदगुदी सी हो रही है, झंझनाहट हो रही है, तो उस ऐसा हमें सेंसेशन होता है और हम बार बार में फिर पैर हिलाते रहते हैं। कभी ये पैर हिलाया, कभी हाथ पे ऐसे खुजली होने लग गई, फिर 1-2 सेकंड ही कुछ होती है जब हम होंगे, बीच में रुकेंगे, फिर खुजली चलेगी, फिर कुछ सेंसेशन क्रिएट होगा हाथों पैरों में, ठीक है। तो ये रेस्टलेस लेग सिंड्रोम है। उसके बाद में आता है नार्कोलेप्सी। नार्कोलेप्सी क्या होता है, अनकंट्रोल्ड डे टाइम स्लीपिनेस। हम रात को तो सोए ही सोए, दिन में भी सो रहे हैं, जॉब कर रहे हैं कोई इंसान तो ऑफिस में काम करता करता सो गया, ठीक है। ऐसा होता है सबके साथ, नींद आती है सबको थोड़ी थोड़ी, पर इतना नहीं है कि वो रेगुलर ही कंसिस्टेंटली हर डे में यही होता है। और जबकि वो रात को भी अच्छे से नींद ले रहा है वो इंसान, तब भी उसको डे टाइम में नींद आ रही है, वो भी गहरी है ना, मतलब अनकंट्रोल्ड है वो। हम कंट्रोल कर लेते हैं, जैसे हमें क्लास में कभी नींद आ जाती है, मतलब ऐसे ऐसे लगता है कि हमें 5-10 मिनट हमें सुला दो कोई, ठीक है, ऐसे लगता है ना पढ़ते पढ़ते। परंतु नार्कोलेप्सी में क्या होता है, वो अनकंट्रोल्ड होता है, उसके कंट्रोल में भी नहीं होता। हम कर लेते हैं, अगर हम पानी पियेंगे, मुंह धुलेंगे तो हम फ्रेश फील करेंगे, ठीक है। इसमें अनकंट्रोल्ड होता है, कुछ भी कर लो वो थोड़ी देर में फिर वैसे ही हो जाए। ये होता है अनकंट्रोल्ड डे टाइम स्लीपिनेस, पूरे दिन में हमें स्लीपिनेस जैसा फील होता है, नार्कोलेप्सी, ठीक है। तो ये जब तो मैम हम कह सकते हैं जो कुंभकर्ण था उसको नार्कोलेप्सी हो गई। हाँ ये बोल सकते हैं, ऐसे याद कर लो आप, ऐसे याद कर सकते हैं, सही है। तो अनकंट्रोल्ड हो जाता है ये प्रॉब्लम सीवियर हो जाती है ना, जब तब प्रॉब्लम आती है, तब हमारा डेली रूटीन पूरा डे टाइम खराब हो जाता है, ठीक। तो वो कहीं ना कहीं हमें प्रॉब्लम क्रिएट करता है। नेक्स्ट है पैरासोमनियास। पैरासोमनियास क्या होता है, जो नींद में चलना, नींद में बातें करना, ये सब पैरासोमनिया में आता है, ठीक है। इसकी डेफिनेशन है एबनॉर्मल मूवमेंट, टॉक, इमोशंस, ठीक है। एबनॉर्मल हम बिहेव कर रहे हैं रात को, अपने आप बातें कर रहे हैं, कुछ और कुछ इमोशनल एक्टिविटी कर रहे हैं, ठीक है, मूवमेंट कुछ कर रहे हैं, कोई क्या पता सोते सोते ऐसे साइकिल चला रहा हो, ठीक है, तो वो सभी पैरासोमनिया में आए, ठीक है, बातें कर रहा है। फिर है एबनॉर्मल स्लिप बिहेवियर डिसऑर्डर, ये भी इसी से ही मिलता जुलता है। स्लिप के दौरान हम एबनॉर्मल बिहेवियर कर रहे हैं, ठीक है, जैसे कि एबनॉर्मल बिहेवियर में हम यही समझेंगे कि वो अजीब गरीब बातें कर रहा है कुछ कुछ, ठीक है, या फिर उसको डर लग रहा है ना, ये भी आ सकता है, ठीक है। पैरासोमनिया का भी तो यही मतलब होता है ना। हाँ, पैरासोमनिया में होता है कि वो नींद में चल रहा है, फिर रहा है, बातें कर रहा है, ठीक है। एबनॉर्मल स्लीप बिहेवियर में क्या होता है, स्लीपिंग के दौरान भी वो बिहेव कर रहा है, अलग डिफरेंट टाइप ऑफ बिहेव कर रहा है, ठीक है। इनमें ना बहुत थोड़ा थोड़ा अंतर है, ज्यादा अंतर नहीं है इन चीजों में, ठीक है, और ऐसे डिफ्रेंशिएट करने का भी नहीं आएगा प्रश्न कि पैरासोमनिया और एबनॉर्मल में क्या डिफरेंस है। ये हमें इतना समझ में आ रहा है जो डिफरेंट टाइप ऑफ वर्ड्स हैं, टर्म्स है, जैसे नार्कोलेप्सी है, पैरासोमनिया है, वो तो आपको क्लियर हो गई कि इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट है नाइट टेरर्स। नाइट टेरर्स क्या होता है, अब नाइट रात टेरर्स मतलब जो डरावना होता है भूत, अब सोते सोते हमें सॉरी डर लग रहा है, हमें कुछ डर लग रहा है, बस ऐसे लग रहा है कि भूत है, कुछ कुछ भी हो सकता है ऐसे ना, तो मतलब हम फियर समझेंगे कि हमें फियर डर लग रहा हो किसी भी चीज से, कोई आदमी से डर लग रहा हो, कोई भूत से डर लग रहा हो, कोई चीज से ही डर लग रहा हो,
तो सब नाइट टेरर्स में आता है, क्लियर। फिर ये है नेक्स्ट। मैम विपर्यय ज्ञान हो जाता है यहाँ पर मतलब हाँ जी उसको, मतलब हाँ यहाँ पर नाइट टेरर्स में बोल सकते हैं। हाँ इससे हम योग से कनेक्ट कर सकते हैं इसको हम, कि योग में जैसे आप बता रहे हो ना मिथ्या ज्ञान हो जाता है, तो उससे हम इसको रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एबनॉर्मल स्लिप बिहेवियर डिसऑर्डर्स। ये शायद हमने अभी पढ़ लिया था ना, एबनॉर्मल स्लिप बिहेवियर वो कर रहा है। फिर है ब्रुक्सिज्म, ये मैंने बताया था आपको, जो दोनों दांतों को कट कट की आवाज करता है, ठीक है, सोते सोते ही, ये ब्रुक्सिज्म में है। सेंट्रल स्लीप एपनिया, सेंट्रल स्लीप एपनिया ये हमने डिस्कस कर लिया था, हमारा डिस्फंक्शन हो जाता है ब्रेन और रेस्पिरेटरी सिस्टम का, ठीक है। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, ये सॉफ्ट टिश्यू जो है वो हमारा पूरा चिपक जाता है, और जो ब्लॉकेज हो जाता है एयर वे जहां से आती है वो रास्ता ब्लॉक हो जाता है, ठीक है। पैरासोमनिया, ठीक है। नेक्स्ट है क्रोनिक फटिक सिंड्रोम। क्रोनिक होता है लंबे समय तक, फटिक सिंड्रोम मतलब ऐसा है कि बहुत समय तक हमने बहुत कम नींद ली, ठीक है, तो धीरे 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 वो थकान बढ़ती बढ़ती आगे तक बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। जैसे अडल्ट के केस में ऐसे होता है ना कि कोई ज्यादा काम करने पर ज्यादा काम करता रहता है, या फिर जॉब के टाइम पे ऐसा होता है कि उनको वो अच्छे से नींद नहीं ले रहे, पूरे डीप स्लीप नहीं ले रहे, तो वो क्रॉनिक हो जाती है वो प्रॉब्लम, आगे जाके फिर उनको नींद भी आना बंद हो जाती है, ठीक है। थकावट है पर नींद नहीं आएगी। सर्कैडियन रिदम स्लिप डिसऑर्डर्स, अगर हम सर्कैडियन रिदम को मेंटेन नहीं करेंगे तो भी डिसऑर्डर हो सकता है, ठीक है। ये ज्यादातर उन केस में देखा जाता है जो गार्ड की ड्यूटी जो करते हैं, क्योंकि अगर वो रात को नहीं सोएंगे पर हमारा सर्कैडियन रिदम तो यही फॉलो करेगा ना, उसको तो समझ नहीं आएगा, उसको तो ये पता है कि अंधेरे के टाइम पे नींद नींद लाना है, तो अगर हम उसके अकॉर्डिंग भी फॉलो नहीं करते हैं तो भी डिसऑर्डर हो जाता है। एक्सेसिव स्लीपीनेस, बहुत ज्यादा स्लीपीनेस आ रहा है, वो उसी कंडीशन में था जो मैंने बताया था, किसी में बताया था नार्कोलेप्सी, ठीक है। इसी तरीके से इसमें कुछ कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, ठीक। इंसोमनिया में नींद नहीं आती, हाइपरसोमनिया, हाइपरसोमनिया में भी यही है, हाइपरसोमनिया में क्या था, एक्सेसिव स्लीपीनेस, ठीक है। उसमें तो डे टाइम में ही होता है आपको स्लीपीनेस फील, हाइपरसोमनिया उठते बैठते हमेशा ही आपको स्लीपीनेस ही फील होगा। नाइट टेरर्स वही, रात को आपको डर लग रहा है सोते समय। नॉन 24 आवर स्लीप वेक डिसऑर्डर, ठीक है, आप रेगुलर 24 आवर अगर आप नहीं सोते हो, ठीक है, तो भी आपको प्रॉब्लम डिसऑर्डर होने का चांस होता है, स्लीप वेक डिसऑर्डर। जब आप सोएंगे तो आपको नींद नहीं आएगी, जब आप उठेंगे तो आपको नींद आएगी, ठीक है, तो एक वो ऐसी कंडीशन हो जाती है ना, तो आपको नींद आएगी ना आप और कोई एक्टिविटी कर सकते हो, प्रोडक्टिव वर्क कर ही नहीं पाएंगे आप उस कंडीशन में। फिर आता है नेक्स्ट पीरियोडिक लिम्ब मूवमेंट, लिम्ब मूवमेंट्स डिसऑर्डर्स, PLMD, ठीक है। ये थोड़ा सा सिमिलर होता है, इसके सिमिलर होता है रेस्टलेस लेग सिंड्रोम के। रेस्टलेस लेग सिंड्रोम में तो सेंसेशन क्रिएट होता है, ठीक है, पर पीरियोडिक लिम्ब मूवमेंट डिसऑर्डर में क्या होता है, ये इसमें भी होता है यही चीज है, हाथ पैर हमारे मूवमेंट करेंगे पर ये इनवॉलंटरी होता है, और रेस्टलेस लेग सिंड्रोम जो है इसमें ये एक मेन डिफरेंस ये है, जो RLS है ये वॉलंटरी है, ठीक है, हमारी इच्छा के हमारे स्वैच्छिक है, स्वैच्छिक। और PLMD में क्या होता है, ये इनवॉलंटरी है, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस है, होता है इनमें भी वही है, लिम मूवमेंट होता है। रही REM स्लिप बिहेवियर डिसऑर्डर्स, ये भी इसी तरीके से स्लिप बिहेवियर डिसऑर्डर होगा। इसमें शिफ्ट वर्क डिसऑर्डर, इसमें क्या है, हमने जो वो गार्ड की ड्यूटी जो बताई थी हमने, या फिर कोई, हाँ, जो रात को काम करता है सर्कैडियन जिन रिदम जिनकी मेंटेन नहीं होती, तो उनको क्या होगा, वो काम के दौरान भी उनको नींद आएगी, मतलब जो उनका शिफ्ट है काम का जो शेड्यूल है डे टाइम का, उसमें भी उनको नींद आएगी। उनका रीजन क्या है, क्योंकि उनकी नींद पूरी नहीं हो रही, ठीक है, वो शिफ्ट करते जा रहे हैं अपने काम को, है ना। जैसे कि हम डेली 10 बजे सो जाते हैं पर हमें काम करना है कुछ ज्यादा, तो हम सो रहे हैं 1 बजे, ठीक है, तो अगला दिन हमारा लेस प्रोडक्टिव होगा, हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है, या फिर हम शिफ्ट कर रहे हैं अभी आगे आगे,
में भी प्रॉब्लम हो सकती है, स्लिप वॉकिंग, कोई नींद में चलना, ठीक है। फिर है स्लिप रिलेटेड ब्रीदिंग डिसऑर्डर, स्लिप से रिलेटेड कोई ब्रीदिंग डिसऑर्डर हो गया, सांस नहीं आ रही, सांस ज्यादा आ रही है, सांस फूल रही है, या हाँ इस तरीके डिसऑर्डर, और इसी में ही आ जाएंगे, ब्रीथ डिसऑर्डर है ये भी इसी में ही आ जाएगा, जितना भी अभी ब्रीदिंग डिसऑर्डर हमने पढ़ा। मूवमेंट डिसऑर्डर, इसमें है मूवमेंट, हम डिफरेंट टाइप ऑफ मूवमेंट्स कर रहे हैं, या तो रात को चल रहे हैं या और कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं, ठीक है। स्लिप पैरालिसिस, ये तो हमने उसमें पढ़ा था कि रैम की कंडीशन में हमारा मसल पैरालिसिस होता है, तो वो तो एक अच्छा मतलब गुड थिंग है हमारे लिए, ठीक है, क्योंकि उसमें हम स्वप्न भी लेते हैं, ड्रीम्स भी आते हैं हमारे रैम स्लिप में, और अगर उसमें हमारी मसल काम करना मतलब एक्टिव हो जाएंगी तो हम किसी को भी हार्म कर सकते हैं, खुद को भी हार्म कर सकते हैं यहाँ तक की, ठीक है। परंतु स्लिप पैरालिसिस में क्या होता है, इसमें बिल्कुल ही पैरालिसिस होता है, हमारा हाथ हाथ पैर उठेंगे ही नहीं, हम चाकर भी नहीं उठा पाएंगे, ठीक है, ऐसा होता है, मतलब वही है, इसमें सीवियर हो जाती है प्रॉब्लम, तब हमें दिखता है। नॉर्मल तो हमें भी ऐसे फील होता है कि हम हाथ उठाएं, हमारा हाथ उठ क्यों नहीं रहा, ठीक है, हमारा पैर क्यों नहीं उठा, पर एकदम से हम 2-3-4 सेकंड तक करेंगे, उसके बाद हमारा पैर उठ जाता है, हाथ उठ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि हम नॉर्मल है। पर स्लिप पैरालिसिस में क्या होता है, वो तो 2-4-5 मिनट तक ऐसे ही रहता है, ठीक है, क्लियर है सभी को, एक बार आप पढ़ेंगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा, क्लियर है सभी को, कोई डाउट है किसी में? मैम स्लिप पैरालिसिस है तो 2-3 मिनट में अपने को ठीक हो जाएगा? एक बोली, हाँ क्या कह रहे हैं, 1-2 मिनट में ही अपने को स्लिप क्या बोलते हो पैरालिसिस में, हाँ स्लिप पैरालिसिस में ठीक हो जाएगा, स्लिप पैरालिसिस में थोड़ा लंबा चलता है वो, पैरालिसिस जैसा हमें फील होता है, हमें लगता है कि पैरालाइज्ड हो गया हमारा पैर, एक दो महीने तक ना ठीक नहीं होता ना वो, हाँ हाँ लंबा लंबा रहता है क्या अपना वो, पैरालिसिस नहीं है तो 1-2 मिनट में अपने को ठीक हो जाएगा, वो पैरालिसिस नहीं है पर उसमें पैरालिसिस जैसा पूरा फील होता है, वो सिर्फ फील होता है, ठीक है, या फिर लंबा चलेगा। हाँ जी मैम, मैं ये बोल रही हूँ वो सिर्फ स्लीपिंग के टाइम का पैरालिसिस आप बता रहे हैं ना कि ऑल टाइम पैरालिसिस जो है? ऑल टाइम पैरालिसिस नहीं होता मैम, जैसे ये जो है कंडीशन वो नॉन रेम की कंडीशन में तो आ ही जाता है ना, क्योंकि उस वक्त जो है हमारी बॉडी वो वैसे भी मतलब मूव नहीं कर पाती है उतना ज्यादा। हाँ तो मैं ये बोल रही हूँ कि नॉन रेम की कंडीशन में तो रहती ही है ना ये स्लीप पैरालिसिस जो हाँ, स्लीप पैरालिसिस रेम की कंडीशन में भी हो सकता है ना, क्योंकि उसमें क्या होता है हमारी मसल्स रिलैक्स होती हैं, तो नॉर्मल पर्सन की तो ठीक है नॉर्मल है, पर कभी कभी वो ज्यादा समय तक हो जाती है और बिल्कुल ही पैरालिसिस जैसा फील होता है, तो उसमें आ गया रेम में, ठीक है। आगे बढ़े, कॉजेज ऑफ स्लिप डिसऑर्डर्स, क्या कारण हो सकता है इनका, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, बहुत सारी चीजों का कारण हो सकते हैं, फिजिकल सच एज अल्सर्स। अब अल्सर से इसको कैसे रिलेट कर सकते हैं, लगाइए थोड़ा दिमाग, फिजिकल अगर हमें अल्सर हो रहे हैं, अगर हम फिजिकली हमें आराम नहीं मिल रहा है तो हमें नींद अच्छे से नहीं आएगी, ठीक है, जैसे कि अगर हमें कहीं और भी कहीं इंजरी हो रही है, ठीक है, ये तो इंटरनल है और ये हमें फील भी होता है ना, तो बॉडी में कोई भी इंजर्ड कोई भी हमारा ऑर्गन होता है तो जब तक पेन करेगा तब तक हमें फील होगा वो, है ना, तो ये रीजन हो सकता है कि हमें नींद नहीं आ रही, जैसे कि और कोई प्रॉब्लम भी हो गई तो उसकी वजह से हमें डीप स्लीप नहीं आ रही, हमारा पूरा दिमाग उस पेन की तरफ जा रहा है बार बार, ठीक है। मेडिकल सच एज अस्थमा, अगर अस्थमा हो गया तो भी मे भी हो सकता है उसके प्रॉब्लम, क्यों, क्योंकि उसके ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया की भी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, वैसे भी उनको अस्थमा वालों को रेस्पिरेटरी की प्रॉब्लम होती है, मतलब उनको
सांस भर नहीं छोड़ने में प्रॉब्लम होती है, तो सोते समय अगर वो लाउड स्नोरिंग कर रहे हैं तो भी प्रॉब्लम हो सकती है ना। साइकियाट्रिक सच एज डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी डिसऑर्डर, अगर उनके डिप्रेशन और एंग्जाइटी डिसऑर्डर है तो भी उनके ये प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, कैसे? अगर डिप्रेशन में है इंसान तो उनको डीप स्लीप आएगी ही नहीं। एंग्जाइटी डिसऑर्डर, एंग्जाइटी में क्या होता है, एंग्जाइटी में तो बार बार में उनको कोई ना कोई चिंता सताती रहती, कभी कुछ कभी कुछ, तो डीप स्लीप तो आएगी नहीं, उनको एंट्री एंड फोर तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। एनवायरमेंटल फैक्टर भी हो सकता है, हमारे साइड में डेली कोई मैरिज पैलेस है तो वहां पर डेली कोई ना कोई शादी होती रहती है। ठीक है, या हमारे घर के साइड में बड़ा सा कूड़े का ढेर है पूरे सिटी का आता है, तो हम रह ही नहीं पाते हैं वहां। ठीक है, सांस ही नहीं ले पाते हैं, वो भी फैक्टर हो सकता है। ठीक है, घर में कोई छोटा बेबी है वो डेली रात को ही रोता है, वो भी प्रॉब्लम हो सकती है, एनवायरमेंटल फैक्टर है। वर्किंग द नाइट शिफ्ट, दिस वर्क शेड्यूल मैसेज अ बायोलॉजिकल क्लॉक। मैंने अभी बताया था आपको कि अगर आप डे मतलब नाइट टाइम में काम कर रहे हो तो वो आपको बायोलॉजिकल क्लॉक से कैरियन रिदम को बिगाड़ देता है। ठीक है, जेनेटिक्स, जेनेटिक्स हो सकता है कि मान लो नार्कोलेप्सी किसी के था पहले, जेनेटिक था, तो वो भी आ सकता है। ठीक है, मेडिकेशन सम इंटरफेयर विद स्लीप। मेडिकेशन, कई मेडिसिन भी होती है, जैसे हमें बोलते हैं ना कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है इंसोमनिया के केस में भी, मतलब जिसमें पेशेंट वो कुछ ऐसी मेडिसिन लेता है जो उसको नींद लाती है। ठीक है, या कुछ ऐसी मेडिसिन ले रहा है जो जिससे नींद कम होती है। ठीक है, तो उससे भी तो हमारी स्लीप अफेक्ट होगी। क्लियर है? तो ये तो ठीक है, कॉजेस हो गया ये, हम वैसे भी अगर हम जनरली भी सोच सोच के भी बताएंगे तो भी हमें पता चल जाएगा कि हाँ ये भी होगा, ये भी होगा। ठीक, सिम्पटम्स ऑफ स्लिप डिसऑर्डर्स, अभी हम एक बार खुद से देख लेते हैं क्या क्या स्लिप डिसऑर्डर्स होंगे। हमें रात को अच्छे से नींद नहीं आएगी, ठीक है, डीप स्लिप हम नहीं लेंगे, नेक्स्ट डे हमारा डे टाइम पूरा पूरा खराब हो जाएगा, या फिर हम प्रोडक्टिव वर्क नहीं कर पाएंगे, या फिर हम डे टाइम में भी अनकंट्रोल्ड स्लिपिनेस हो रहा है हमारा। ठीक है, जो रात का जो टाइम पीरियड है उसमें हम एबनॉर्मल बिहेव कर रहे हैं, एबनॉर्मल मूवमेंट कर रहे हैं, एबनॉर्मल एक्टिविटी कर रहे हैं, वो सारी चीज उसमें आ गई। ठीक है, या फिर स्लिप हमें आ ही नहीं रही, तो ये सारे डिफरेंट टाइप ऑफ सिम्टम्स हो गए। ठीक है, अब देख लेते हैं, फॉल अस्लिप वाइल ड्राइविंग। फॉल अस्लिप वाइल ड्राइविंग, ड्राइविंग करते समय आपको नींद नींद जैसा लगता है, सो भी जाते हैं, है ना। एक मशीन बनी है, किसी ने अभी डिस्कवर वो किया था, मुझे याद आ रहा है, अभी न्यूज़ में आया था कुछ टाइम पहले, तो उसमें क्या था कि ड्राइविंग करते टाइम वो आपके शायद कॉलर पे कहीं लगता है छोटा सा, तो जैसे ही आपको नींद आएगी तो वो सिग्नल देने लग जाता है कि अब आप सोने वाले हो, आपकी आंखें बंद होने वाली हैं, तो या तो आप रोक दो इसे अपनी गाड़ी को या और किसी को दो, है ना, ऐसे इंस्ट्रूमेंट है। नेक्स्ट है स्ट्रगल टू स्टे अवेक व्हेन इनएक्टिव। क्या मशीन रहता मैम वो? हाँ, एक ऐसी कोई टूल आया है। अच्छा अच्छा, डिस्कवर किया है। हाँ, सच एज व्हेन वाचिंग टेलीविजन और रीडिंग, टेलीविजन और रीडिंग के दौरान हमें स्ट्रगल टू स्टे अवेकन, मतलब हम कोई भी फोकस्ड काम कर रहे हैं तो हम फोकस्ड नहीं हो पा रहे उसमें, बार बार हमें स्ट्रगल करना पड़ रहा है उसके प्रति। ठीक है, have difficult paying attention, हमें attention किसी भी चीज को पढ़ने के लिए, कुछ काम करने के लिए attention concentration चाहिए होता है, वो हम नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, कुछ perform करने में हमें problem हो रही है। ठीक है, अच्छे से perform नहीं कर पा रहे हैं, हमारी memory हमें जो याददाश्त है, जो याददाश्त करने याद करने की जो क्षमता, उसमें difficulty आ रही है। ठीक है, हमारा response slow हो गया, जो मतलब जैसे जनरली जो इंसान नॉर्मली जो रिस्पॉन्स होता है उससे स्लो हो गया, हमें याद ही नहीं आती चीजें। ठीक है, तो ये भी एक रीजन हो, सिम्टम हो सकता है कि हाँ। ठीक है, डिफिकल्टी कंट्रोलिंग योर इमोशंस, आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करने में डिफिकल्ट फील करोगे। क्लियर है सभी को? आगे बढ़ते हैं। लेट तो नहीं हो रहा आपको? इनफ है क्या आज के लिए, या फिर ये फटाफट करा दूंगा? बताओ मैम, सिर्फ आधा घंटा मिलेगा अभी, हमें 4 से 5 क्लास भी है, फिर 5 से 6 टेस्ट भी है, क्विज है।
ठीक है। 7 से 8 तो है, 8 से 9। हाँ ऐसे लगभग हो गया है, ये मैं स्लाइड आपको भेज दूंगी, आप खुद भी समझ लेना इसको। जैसे इंसोमनिया, इंसोमनिया में क्या था, मैं फटाफट कवर कर देती हूँ, ठीक है, 5 मिनट में। इंसोमनिया में क्या था कि हमें नींद नहीं आ रही है, ठीक है, हमारा मेलाटोनिन सीक्रेट नहीं हो रहा। इंसोमनिया इज अ स्लीप डिसऑर्डर वेयर पीपल हैव डिफिकल्टी फॉलिंग और स्टेइंग अस्लिप, मतलब वो सो ही नहीं पा रहे, अगर सो रहे हैं तो वो लंबे समय तक, मतलब 7 से 8 घंटा पूरा नींद नहीं ले पा रहे, ठीक, आधा घंटा ले लिया उठ जाएंगे, 1 घंटा ले लिया फिर उठ जाएंगे, इस तरीके से, ठीक है। तो इसमें हमें ये सिम्टम्स हो जाएंगे, क्या क्या हमें दिखेगा, हमें अगले दिन रिफ्रेश फील नहीं होगा, हम कुछ प्रोडक्टिव नहीं कर पाएंगे, रात को हमें सोने में ट्रबल फील होगा, ट्रबल होगा, ठीक है, और डीप स्लिप नहीं ले पाएंगे, और थकावट जैसा फील होगा, कंसंट्रेशन नहीं कर पाएंगे, मूड डिसऑर्डर हो सकता है, ठीक है। तो ये सारी दिखेगा हमें, और ये स्लीप एपनिया है, ये तो कवर मैंने कर दिया अच्छे से, ठीक है। स्लीप एपनिया इज अ पोटेंशियल पोटेंशियल स्लीप डिसऑर्डर दैट अकर्स व्हेन अ पर्सन ब्रीदिंग इज इंटरप्टेड, किसी भी तरीके से उनकी उस पर्सन की जो ब्रीदिंग है वो इंटरप्ट हो गई है, बाधित हो गई है, ठीक है। उसका रीजन कोई भी हो सकता है, या तो ऑब्स्ट्रक्टिव है या सेंट्रल है, ठीक है। अनट्रीटेड स्लीप एपनिया स्टॉप ब्रीदिंग रिपीटेडली ड्यूरिंग देयर स्लीप, ठीक है। तो यही कह रहा है ये चीज कि आपकी जो ब्रीदिंग है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है, क्लियर है स्लीप एपनिया तो, आई थिंक, ठीक है। इसमें बता रखा है, पूरा डेफिनेशन दे रखी है कि ये एक अपर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक का डिसफंक्शन है, जिसमें क्या होता है, जो सॉफ्ट टिश्यू होता है हमारे थ्रोट के बैक एरिया में वो कोलैप्स हो जाता है, ये थ्रोट के बैक एरिया में, ये यहाँ पे जो सॉफ्ट टिश्यू होता है ये कोलैप्स हो जाता है, चिपक जाता है यहाँ, ठीक है, एयरवेज बंद कर देता है, ठीक है, जिस वजह से हमें ओएसए हो जाता है। फिर ये बता रखा है उसके सिम्टम्स क्या दिखेंगे, डे टाइम में हमें दिखेगा स्लीपीनेस, फटीग, रेस्टलेसनेस, मॉर्निंग हेडेक होने लग जाएगा, क्योंकि हमें डीप स्लीप नहीं आ रही है, बार बार में हाफते हैं, या हमें ब्रीदिंग सही से प्रॉपर नहीं हो पाती रात में, तो कम से कम भी वो आदमी 4 से 5 बार 6 बार उठ जाएगा अगर उसको ओ ऐसे है, ठीक है। नाइट स्लिप, नाइट टाइम स्लिप क्या सिम्टम दिखेंगे, लाउड स्नोरिंग, वो खर्राटे लेता है तेज तेज, और गैस्पिंग फॉर एयर, मतलब इंगल्फ करेगा, मतलब वो ट्राई करेगा, उसको देखने से ऐसा लगेगा आपको कि इसको सांस नहीं आ रही, ठीक है, और होता भी यही है। यूरिनेशन, बार बार यूरिन जाएगा वो, ठीक है। चौकिंग, चौक हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है, नॉट गुड स्लीप, गुड स्लीप नहीं होती, ठीक है। तो और ये हो गया अफेक्ट्स ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया ऑन हेल्थ, हेल्थ पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो हमारा बीपी, बीपी भी डिस्टर्ब हो सकता है, इसकी वजह से हमें डायबिटीज होने का चांस भी होता है, हार्ट अटैक होने का चांस होता है। हार्ट अटैक क्यों होगा, जब हमें प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रही तो हार्ट क्या करेगा, हार्ट अटैक भी हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है, ब्रेन को भी ऑक्सीजन नहीं मिल रही, ठीक है। पैरालिसिस होने का चांस होता है, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज होने का चांस है, बीपी हो सकता है, ठीक है। ये सेंट्रल स्लीप एपनिया है, ये क्लियर हो गया। रेस्टलेस लेग क्या था, इसमें क्या है, इज अ स्लीप डिसऑर्डर दैट कॉजेज एन इंटेंस ऑफन इररेस्टिबल अर्ज टू मूव द लेग्स, ये बताया था मैंने, इसमें हमारे पैरों में सेंसेशन क्रिएट होती है। देखो अब यहाँ पे इसको लग रहा है कोई मेरा पैर खींच रहा है, बार बार में ऊपर लेके जाएगा नीचे ले आएगा, ठीक है। अ फीलिंग लाइक एन इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट जैसे फील होगा, इचिंग फील होगी, खुजली सी फील होगी, एकिंग फील होगी, ठीक है, कभी यहाँ दर्द हो रहा है, कोई ऐसा फील होगा, सुई जैसा फील होगा, थ्रॉबिंग, थ्रॉबिंग क्या होता है, थ्रॉबिंग सेंसेशन, वाइब्रेशन बोल सकते हैं, सेंसेशन लाइक बग्स आर क्राउलिंग, ऐसा फील होगा कि कोई कोई इंसेक्ट है वो हमारे पैरों पे चढ़ रहा है, चल रहा है, ऐसा फील होगा, ठीक है। तो ये रेस्टलेस लेग सिंड्रोम के सिम्टम्स हैं कुछ। उसके बाद में नार्कोलेप्सी है, ये भी क्लियर हो गया था, जो डे टाइम में भी स्लिप सोता रहता है, एक्सेसिव स्लीपीनेस जो होता है, अनकंट्रोल्ड एपिसोड्स ऑफ स्लीपिंग फॉलिंग अस्लिप, ये सब चीजें हमें नार्कोलेप्सी में दिखती है, ठीक है। क्लियर है सभी को, ज्यादा फास्ट हो रहा है क्या, ये क्लियर मैंने कर दिया था ना पहले ही उस टाइम स्टार्टिंग में बताते टाइम, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करें। क्लियर है सभी को, यस मैम, क्लियर। हाँ ठीक है। पैरासोमनिया यहाँ पे आ गया था ना, जो क्या बोलते हैं जिसमें हम एबनॉर्मल
एबनॉर्मल मूवमेंट होता है, टॉक, इमोशंस, एक्शंस होते हैं, हैपन व्हाइल यू आर स्लीपिंग, ऑल्दो योर बेड पार्टनर माइट थिंक यू आर अवेक। मतलब आपके बेड पार्टनर को लगेगा कि उठा हुआ है, पर वो सारे काम नींद में करता है, ठीक है। ये सीवियर होता है तब ये सारी चीजें दिखती हैं, ठीक है। सीवियर चीजें होंगे तभी तो वो डिसऑर्डर में कहलाएंगी। तो पैरासोमनिया क्या होती है, आपके पार्टनर को लगेगा कि आप उठ चुके हो पर आप सारे काम नींद में ही करते हो। नींद में एबनॉर्मल मूवमेंट हो सकता है, टॉक, इमोशंस, एक्शंस हो सकते हैं, या फिर ऐसे भी हो सकता है आप नींद में गए, रसोई में गए, आपने सारे बर्तन धुल दिए और आके वापस सो गए, हो सकता है ना। पैरासोमनिया आर डिस्ट्रप्टिव स्लीप रिलेटेड डिसऑर्डर, तो ये स्लीप रिलेटेड डिसऑर्डर है, ठीक है। और एग्जाम्पल्स इंक्लूड ये सारे, अभी देखो मैंने बताया था पैरासोमनिया के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं। तो स्लिप टेरर, आपको सोते समय डर लग रहा है, स्लिप वॉकिंग, आप चल रहे हो, नाइटमेयर डिसऑर्डर, स्वप्न के दौरान कोई डिसऑर्डर हो सकता है, स्लिप रिलेटेड ईटिंग डिसऑर्डर, आप नींद में या फिर हाँ नींद में आप उठकर खाना खा रहे हो, ठीक है, स्लिप पैरालिसिस हो गया, तो ये सब पैरासोमनिया के अंदर आएगा। नेक्स्ट, पैरासोमनिया इन नॉन रैम स्लिप। अब याद करो हमें नॉन रैम स्लिप पड़ी थी, तो उस कंडीशन में अगर हमें पैरासोमनिया होगा तो हमें क्या क्या सिम्टम्स, मतलब तो कौन कौन सी डिजीज होगी, ये होगा स्लिप टेरर, स्लिप वॉकिंग, कन्फेशनल अराउजल। कन्फेशनल अराउजल क्या होता है, हम कन्फेशन कर रहे हैं सोते समय, हम बोल रहे हैं हाँ उसे मेरी गलती थी, हाँ उसने उसकी गलती थी, हाँ मैंने ऐसे किया था, ठीक है, कन्फेशन कर। स्लिप रिलेटेड ईटिंग डिसऑर्डर, तो ये सब हमें किस में दिखेंगी, नॉन रैम स्लिप में। अगर नॉन रैम स्लिप में हमें पैरासोमनिया होता है तो, ठीक है। और पैरासोमनिया इन रैम स्लिप, अगर रैम स्लिप में पैरासोमनिया होता है तो क्या दिखेगा, नाइटमेयर डिसऑर्डर। ये तो हमें डिस्कस किया था कि रैम स्लिप में नाइटमेयर होते हैं, पर नाइटमेयर डिसऑर्डर, रिकरेंट आइसोलेटेड स्लिप पैरालिसिस, उसमें था मसल हमारी रिलैक्स हो जाती है तो रिकरेंट आइसोलेटेड स्लिप पैरालिसिस फील होगा, बार बार हमें ऐसे लगेगा कि हमारा पैर सो गया। ये ना वो है रिकरेंट आइसोलेटेड डीप पैरालिसिस, किसी का नस नहीं खिंच जाती है एकदम से, आप कुछ बोलते भी हैं उसको, गांव की भाषा में कुछ बोलते हैं बाइट, ऐसा कुछ बोलते हैं, कोई पता होगा किसी को, ठीक है, जिसमें एकदम से नस खिंच जाती है और हम कई देर तक उसको सही नहीं कर पाते, फिर धीरे धीरे उसमें सेंसेशन होती है। नेक्स्ट है रैम स्लिप बिहेवियर डिसऑर्डर, RSBD, ठीक। अदर पैरासोमनिया इंक्लूड, ये फिर अदर आ गया, एक्सप्लोडिंग हेड सिंड्रोम, स्लिप एन्यूरिसिस, बेड वेटिंग, स्लिप रिलेटेड हेलुसिनेशन, हेलुसिनेशन फील हो रहा है, आपको सोते सोते लग रहा है कि कोई मुझे पुकार रहा है, कोई मुझे बोल रहा है, कोई मेरा नाम ले रहा है, ठीक है, या कोई मुझे दिख रहा है सामने, ऐसा फील होगा। सेक्सोमनिया, ये सब प्रॉब्लम्स, तो दैट्स ओके, क्लियर है, हो गया आपका पूरा टॉपिक, ठीक है, सभी है। पहले 18 थे, अभी 16 है, तो क्लियर, सभी को समझ में आया यहाँ तक, कोई डाउट तो नहीं है? नो मैम। हाँ ठीक है, तो ये है हमारा, ये हमारा सिलेबस है, तो ये हमारा जो फर्स्ट टॉपिक जो है, इंट्रोडक्शन टू अल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, स्लीप स्टेजेस ऑफ स्लीप, स्लीप डिसऑर्डर्स, ये यहाँ तक क्लियर हो गया। कल हम बिहेवियर साइकोलॉजी, साइकोलॉजी एंड ये सब कवर कर लेंगे, एक दो दिन, जितने भी दिन लगे, ठीक है, क्लियर है सभी को, कोई डाउट किसी को, तो इसको पूरा अच्छे से पढ़ के आना। अगर हम कल भी क्लास लेंगे तो मैं कोशिश करूंगी आप मैम को भी, मैम मैं ही बोल दूंगी मैम को कि 2 से 3 ही होता, कि आपको भी थोड़ा समय मिले, ठीक है, टेस्ट करने का, ओके, तो ठीक है, आप लेफ्ट हो सकते हैं, शांति पाठ कर लेते हैं, आंखें बंद, लम्बा गहरा श्वास, शांति ही शांति ही शांति, प्रणाम सभी को। मैम रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिएगा, क्योंकि लास्ट तक ना रिकॉर्डिंग ऑन होती है और सभी कोई ना कोई रह जाता है तो वो ऑफ नहीं हो पाता। ओके ओके ठीक है, और मैम नोट्स भी शेयर कर दीजिएगा अभी तक का जितना पढ़ाया, एक्चुअली मेरी स्टार्टिंग